भाव तुमने मुझे दिए हैं उसका मैं चुन चुन कर बदला लूंगी। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे हमारा कोई डर ही नहीं रहा। 3 फिल्मों का पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। 12 करोड़। शूटिंग कब से शुरू करनी है? क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने पैसों से तुम्हें खरीदा किसने? अंजी रेड्डी साहब ने। गौरी, हाय गौरी, कहिए। गौरी प्लीज फिल्म की बात मत करना। गौरी मैं ये फिल्म नहीं करना चाहता। आपको मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे मैंने जो पैसे लिए मैं आपको वापस कर दूंगा और जो आपका नुकसान हुआ है वो मैं भरने को तैयार हूं। गौरी प्लीज मेरी मजबूरी समझिए, मैं अब विधि के सामने नहीं आना चाहता। भैया प्लीज गौरी बाय, टेक केयर। या प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू अंजी सर, बाय। प्रेम बहुत पुरानी बात है। किसी ने सच ही कहा है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम हो जाता है। प्रेम, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है, तुम्हें परेशान कर रही है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर मुझसे बात शेयर कर सकते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। सच कहूं मैं आपसे यही कहने आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं आप क्या सोचेगी। आप सोचेगी कि पता नहीं कैसा लड़का ये, कभी भी टपक पड़ता है, बक बक करते रहता है। सच कहूं मैं जब भी यहां आता हूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आपसे, अविका से, आप दोनों से जब बात करता हूं ना तो ऐसा लगता है किसी अपने से बात कर रहा हूं। अपने ही तो है। अब मेरा मतलब है कि अपने तो वो होते हैं ना जिनसे हम दिल की सारी बातें बेझिझक कह सकते हैं, है ना बेटा? I'm sorry, लेकिन क्या प्रेम मैं तुमको बेटा कह सकती हूँ? बेटा कह सकते हैं आप, लेकिन एक शर्त है। अगर आप दिल से मुझे बेटा मानेगी तो ही कहिएगा। अच्छा अब ये बताओ कि बात क्या है। एक बात बताइए, व्हाट इज लव? ये प्यार क्या होता है? तुम प्यार करते हो किसी से? पहले ये तो जान लूं कि प्यार होता क्या है। प्यार जिंदगी है, प्यार पूजा है, एक बंदगी है। सिर्फ हासिल करने का नाम ही प्यार नहीं होता। प्यार होता है सिर्फ देने का नाम। हम जिससे प्यार करते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं। उसकी खुशी के लिए अगर हमें कुछ गंवाना पड़े,
किसी भी चीज का बलिदान करना पड़े हम पीछे नहीं हटते हैं। हमारे प्यार के लिए हम उसे खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। प्यार एक तपस्या है, एक त्याग है। बेटा तुम भगवान में मानते हो? हाँ। बेटा तुमने कभी भगवान को देखा है? जी नहीं। हमने भगवान को देखा नहीं है, फिर भी हम उसे मानते हैं। वो है श्रद्धा, वो है विश्वास, वो है भक्ति, और वो होता है प्यार, जो एहसास हमारी आंखों को कभी सूखने नहीं देता है। वो होता है प्यार। अब बताओ, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? हाँ। प्रेम बेटा, तुम तो बड़े हो गए। अच्छा अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है? आई मीन वो। हाँ, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कभी मिले थे हम, एक दूसरे को पसंद किया था, बहुत प्यार करते थे हम, वादे किए थे, लेकिन डैड की वजह से मैंने उसे धोखा दिया। प्रेम, तुमने उसे धोखा क्यों? लेकिन लेट मी कन्फेस, आज वो मुझसे बहुत नफरत करती है, बहुत नफरत। लेकिन आज मैं इतना जान गया हूं कि अगर उसकी नफरत इतनी है तो उसने मुझसे प्यार कितना किया होगा। मैंने धोखा दिया उसे, पाप किया मैंने। लेट मी कन्फेस, अब सच कहती थी, सच्चा प्यार वही होता है जब हम किसी और की खुशी के लिए खुद को भी गवा दें और उसमें भी खुश रहे। मैं और वो एक फिल्म कर रहे थे साथ में, लेकिन उसे मुझे देखकर तकलीफ होती, हर पल दुख होता था, इसलिए मैंने वो फिल्म छोड़ दी। सही कहा ना मैंने? प्रेम, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें इतना अच्छा इंसान बना दिया है? विधि। विधि? विधि कौन? विधि वेद प्रकाश शास्त्री। विधि? वेद की बेटी? ह्यूमन, वेद की बेटी विधि? तुम विधि से प्यार करते हो? बेटा, तुमने मुझे अगर एक बार कहा होता ना, तो मैं खुद सामने से तुम्हारा रिश्ता उसके साथ से। किसके पास लेके जाती है आप रिश्ते की बात? विधि के माँ पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं। ये फिल्म मेरे लिए नहीं, विधि के लिए जरूरी थी। ये वेद अंकल का सपना था, उनकी कसम थी, इसलिए मैंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। ठीक किया ना मैंने? नहीं प्रेम, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इनफैक्ट तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए थी। प्रेम, हम जिससे प्यार करते हैं उसका सपना पूरा करते हैं, और तुम उसे खुश देखना चाहते हो ना, और उसी का सपना तोड़ रहे हो। लेकिन विधि, विधि तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती है वो मुझसे। लेकिन तुम तो प्यार करते हो ना उससे? मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो तुमसे नफरत करती है, हक है उसका।
लेकिन तुम्हें अपने प्यार की जिम्मेदारी निभानी होगी। मत भागो यहां वहां। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी यही सजा है कि विधि तुमसे नफरत करे और तुम उसका सपना पूरा करो, फिर तुम उससे दूर चले जाना। वो अपने सपने के साथ जी लेगी और तुम उसका सपना देखकर जी लेना। की फिल्म करूंगा, आप बात कर रहे हैं? आप आपने अपनी आंखों से उसे वहां पर देखा? ओहो, मतलब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। बात ही यहां तक पहुंच गई है। चलो मैं आपको बाद में फोन करती हूं। थैंक यू। क्या हुआ मॉम? घर का भेदी लंका ढाए। मतलब? मतलब ये अंकिता की प्रेम अंजी रेड्डी से मिल रहा है। प्रेम अंजी रेड्डी की फिल्म कर रहा है। प्रेम जानता है कि उस फिल्म में विधि है। इसका मतलब वो विधि को मिलेगा, उससे बात करेगा और विधि उसे हमारी साजिश के बारे में सब बता देगी। हमें रोशन अंकल से बात करनी चाहिए। अंकिता, रोशन अंकल से बात करके हम क्या करेंगे? मिस्टर रोशन एक ही बात करेंगे कि मैं क्या करूं, प्रेम मेरी बात सुनता ही नहीं है। हेलो मल्लिका जी, आप में आए? कम ऑन मिस्टर नंदा। मुबारक हो रोशन जी, आपके बेटे ने आपके जेल जाने की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब? प्रेम अंजू रेड्डी से मिलने गया था और जहां तक मैं प्रेम को समझने में गलती नहीं कर रही हूं, प्रेम अंजी रेड्डी की फिल्म जरूर करेगा, क्योंकि इसमें हीरोइन विधि जो है। मेरे पापा? पापा का नाम याद नहीं या पापा का अता पता ही नहीं?
अंजी रेड्डी की फिल्म जरूर करेगा, क्योंकि इसमें हीरोइन विधि जो है। अरे मल्लिका जी, प्रेम के बारे में बात ही मत कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं उसको लेकर। ये हैरानी तो संजी रेड्डी पे हो रही है। अरे कितना इंसल्ट किया हमने उसका, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था उसके अंदर। कम ऑन मिस्टर नंदा, अंजी रेड्डी के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जाने दीजिए, पहले हमारे सेल्फ डिफेंस की बात सोचिए। एक बात याद रखना, विधि ने अपना दुपट्टा निकालकर प्रेम के सर पर रख दिया और प्यार से एक बार हाथ घुमा दिया ना, तो विधि ने पोपट बनके आपका बेटा जाएगा पुलिस स्टेशन और पूरी बात जाके वहां पे बोल देगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मल्लिका जी, कमाल करती हैं आप। अरे विधि प्रेम से नफरत करती, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बात भी नहीं करेगी वो उससे। कर ली तो? अंकिता, शादी ब्याह की बात नहीं करनी है विधि को, ना ही प्रेम को प्रपोज करना है। गुस्से में ही सही, नफरत में ही, लेकिन विधि प्रेम को ये जरूर बता देगी कि उसे मारने की साजिश आपने की थी। वाह, सिर्फ मैंने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम सब शामिल थे साजिश में, मैं, मल्लिका जी और वो रोमियो। ऐसा आपका सोचना है रोशन अंकल। बिजनेस की बात आई तो पार्टनरशिप, और जहां साजिश की बात आई वहां रोशन नंदा अकेला जिम्मेदार। क्या समझ रखा है आप लोगों ने, हा? क्या समझ रखा है? वैसे देखा जाए तो विधि से सीधी दुश्मन किसकी थी? आपकी। किसका बेटा विधि से प्यार करता था? आपका बेटा। वेद किसका दोस्त था? आपका। विधि किसकी बेटी है? वेद की। हम तो विधि को पहचानते भी नहीं है। जो वो रोमियो, द मेन कल्प्रिट, वो तो आपका आदमी था ना, हा? बोलिए ना। मैं भी वो ही कह रही हूँ रोशन नंदा, कि रोमियो मेरा आदमी है। किसका? मेरा। तो मेरा आदमी किसकी सुनेगा, मेरी या आपकी? हम आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे। वो क्या होता है कि जब तक इंसान के कान के नीचे खतरे की घंटी नहीं बजती है ना, तब तक वो चैन से सोता रहता है। बहुत सो लिए रोशन नंदा, उठ भी जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा अमर प्रेमी बनने के लिए तुम्हें जेल भेज दे। मल्लिका जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन सुनता ही नहीं है वो। तो किसकी सुनता है वो? सुष्मिता चटर्जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। उनसे कहना कि मैं उनसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। वो तो अभी घर पे नहीं है। कब तक आएंगी वो? काम से गई है तो उन्हें देर हो जाएगी। वैसे आपको कुछ मैसेज देना है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसे कहना कि वो मेरे बेटे प्रेम से दूर रहे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे बेटे प्रेम का यहाँ आना जाना है। वो जितना दूर रहेगी प्रेम से उतना ही उसके लिए अच्छा है। देखिए, आप बड़े हैं, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूं मैं? आप धमकी दे रहे हैं? हाँ, इसे धमकी समझ लो। सुष्मिता से कहना कि जो हरकत कर रही ना, ठीक नहीं कर रही, वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, इसे बंद करे वरना। वरना क्या? Shut up your mouth and listen to me right now. जानती भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है रोशन नंदा, मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर हूँ। कह देना उस दो टके की औरत से कि अपनी हरकतें बंद करे। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपकी हैसियत हमसे ज्यादा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ को जलील करेंगे। माँ,
अंकिता तुम्हारी माँ है? जी हाँ। तुम उसकी बेटी हो? यस। और तुम्हारे पापा? मेरे पापा? हाँ, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? देखिए, आपको क्या काम है आप बताइए। ओ, समझ गया। पापा का नाम याद नहीं या पापा का आता पता ही नहीं? हा? नहीं करनी मुझे अंजय दिख रहे। तो फिर उसे मिलने क्यों गए तुम? किसी से मिलने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी क्या? ऑफ कोर्स लेनी होगी। तुम्हें अगर इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। पापा का नाम याद नहीं या पापा का आता पता ही नहीं? Shut up! तुम्हारी माँ से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? अरे, बेटी के बाप का आता पता नहीं और एक बेटे को बाप के खिलाफ भड़का रही है। अब चले जाइए यहाँ से। Get out, please! चिल्लाओ मत। सुष्मिता से कहना कि रोशन नंदा आया था यहाँ पे, और उसे कहना कि मेरे बेटे से दूर रहे। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है ना, तो अपनी माँ को भी समझा देना। नाजायज औलाद। गेट आउट। दादू, मैं अभी आता हूँ। रात के वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? अरे तू समझा करो ना। अच्छा। कहाँ जा रहा है? वो मैं। मेरा मतलब है कि तुम सुष्मिता से मिलने जा रहे हो या विधि से? बर्बादी दोनों तरफ है प्रेम। डैड प्लीज। कहा था कि ना सुष्मिता को मिलो ना विधि को, लेकिन फिर भी तुम उनसे मिलते हो। अरे, पराए लोगों के लिए मेरे खिलाफ जा रहे थे? ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैंने जब भी तुम्हें मना किया ये काम मत करो, तुमने हमेशा वही किया। मेरे दुश्मनों से रिश्ते निभा रहे हो। दिस इज रॉन्ग प्रेम। देखो, अंजी रेड्डी की फिल्म। नहीं, नहीं करनी मुझे अंजी रेड्डी फिल्म। तो फिर उसे मिलने क्यों गए तुम? किसी से मिलने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी क्या? ऑफ कोर्स लेनी होगी। तुम्हें अगर इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। चाचा जी, प्लीज आप बीच में बताइए, बाप बेटे के बीच का मामला है। डैड प्लीज, आपको मुझसे जो कहना चाहिए, लेकिन आप दद्दू को कुछ नहीं कहेंगे। दद्दू प्लीज, आप चाहते क्या डैड? आप जो कहेंगे मैं वो करूं? तो अब तक किया क्या है आपने? जो कहा मैंने हमेशा किया। आपने मुझसे कहा झूठ बोल, मैंने झूठ बोला। आपने मुझसे कहा धोखा दे, तो मैंने धोखा दिया। आपने मुझसे कहा प्रेम उठ, मैं उठा। आपने मुझसे कहा प्रेम बैठ, मैं बैठा। प्रेम चल, मैं चला। आपके हर एक फायदे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया डैड, लेकिन आप नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की? मैं मानता हूँ कि प्रेम हम दोनों का बेटा है। तुम एक बार उसके लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सकती हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं, जिसे यह भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। ऐसे औलादों को क्या कहते हैं पता है? नाजायज। वो तुम्हारी नाजायज औलाद है।